Hello everybody, this is Rahul and welcome to Kalagan YouTube channel. Today we will do class 10th NCERT math exercise 9.1 question number 16. Sorry, question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes a car at angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. It means continuous speed. Speed is same. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach of the foot of the tower from this point. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम नोट डाउन कर लेते हैं. सो ए बी, ठीक है. सबसे पहले जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो है हमारे पास 30 डिग्री का. सो पहले आता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, नहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन, देन 60 डिग्री का, और सी इसको डी ले लेते हैं. और ये कार की स्पीड चल रही है और वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है. सो इस फुट के, इस टावर के फुट तक आने के लिए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है. तो हमने ये टाइम फाइंड आउट करना है. तो चलिए इजी है क्वेश्चन, इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम एंगल ले लेते हैं अपना एंगल ऑफ ए डी बी में, ए डी एंड बी. सबसे पहले हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल ऑफ ए डी बी में ये हमने ले लिया है एंगल ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू थीटा. कितना है, 1060, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी प्रॉपर्टी होती है, 10 की होती है. थीटा हमें गिवन है 1060. सो ए बी अपॉन डी बी, 1060 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, अंडर रूट 3, ठीक है. सो हमने यहाँ पे बेस फाइंड आउट कर लेते हैं. सो डी बी क्या आया हमारे पास, ए बी रूट 3, ठीक है. अब हम लेते हैं अब एंगल ए बी सी, ओवरऑल टोटल लेते हैं. एंगल ऑफ ए बी सी में हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी अपॉन बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी प्रॉपर्टी होती है, 10 की, 10 30 डिग्री, ठीक है. अब देखिए आप ए बी, बी सी किससे मिलके बना है, बी डी प्लस सी डी से. इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी डी प्लस सी डी, और 10 थीटा 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3. इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ये हो गया बी डी प्लस सी डी, ठीक है. अब हम करते हैं ए बी अंडर रूट 3. देखिए डी बी की हमने वैल्यू निकाल रखी है ए बी रूट 3, इस डी बी में यहाँ पुट कर देते हैं हम यहाँ पे ए बी रूट 3 प्लस सी डी, ठीक है. अब देखिए ए बी रूट 3 माइनस ए बी रूट 3 इज इक्वल टू सी डी. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सो ए बी कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू सी डी. सो क्या आया ये, ए बी 3 माइनस 1 2/√3 इज इक्वल टू सी डी, ठीक है. अब करते हैं इसको सॉल्व. सो ये होता है हमारे पास सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 2 ए बी, ठीक है. सॉरी हम इसको रहन देते हैं, हम इसको, हमें हमारे पास सी डी की वैल्यू यहीं पे आ गई है, हमें आगे फाइंड आउट ही नहीं कर रहा. सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 2ab√3, ठीक है. तो हमने सी डी की वैल्यू यहीं पे निकाल ली है, वो हमारे पास आ गई है, ठीक है. सबसे पहले हमने ये वाला एंगल लिया, फिर ओवरऑल टोटल लिया, हमने डी बी की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पे सी डी की वैल्यू निकाल ली, यानी कि हमने दोनों के दोनों हमने बेस निकाल ली है. अब क्या कहता है वो कि 6 सेकेंड लेटर, यानी कि वो कह रहा है कि 6 सेकेंड बाद क्या डिस्टेंस होगा गाड़ी का, जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है. अब देखिए यहाँ से गाड़ी चली, सेम स्पीड में चल रही है गाड़ी, ठीक है, और डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है. अब देखिए स्पीड हमें निकालनी है, टाइम निकालना है ना हमें, तो पहले हम स्पीड निकालेंगे कि वो कितनी स्पीड से चल रही थी गाड़ी. सो हमारे पास डिस्टेंस कितना था, यानी कि हमारे पास ये सी डी कितना था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया था डिस्टेंस, वो आया था 2ab√3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2ab√3, और टाइम कितना है, 6 सेकंड है, यानी कि 1/6 ही है. सॉल्व कर लेते हैं,
तो स्पीड ए बी क्या आ गया, 3√3, यानी कि स्पीड क्या आ गई है, यूनिफॉर्म स्पीड जो गाड़ी की चल रही है वो आ रही है ए बी 3√3। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसने ये डी बी का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, ठीक है। सी डी का डिस्टेंस हमने पता है और सी डी की हमें स्पीड पता है और वो सेम स्पीड से चलती आ रही है, तो यानी कि यहाँ पे भी स्पीड उसकी सेम हुई और डिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम वह फाइंड आउट कर लेते हैं। डी बी का हमारा कितना डिस्टेंस है, ए बी 3 है, सो जो डी बी का जो हमें डिस्टेंस है वो है ए बी 3। स्पीड हमारी इसी कंटिन्यू स्पीड से चलती आ रही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमें डीबी का डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो हम फॉर्मूला भी पुट कर लेते हैं क्योंकि हमें इस डीबी की डिस्टेंस ही तो बताना है कि कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हम करते हैं, स्पीड हमें गिवन है कितनी, ए बी 3√3, डिस्टेंस कितना था डीबी का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना था हमारे पास, वो था ए बी 3, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी 3। और टाइम हमें फाइंड आउट करना है, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया हमारे पास 3 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हमारी स्पीड सेम है और हमें डी बी का डिस्टेंस फाउंड आउट करना है, सो डी बी का डिस्टेंस तो हमें पता है, तो स्पीड हमने निकाल ली है, सेम स्पीड है, तो स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से, स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम हमें निकालना है, सो टाइम क्या आ गया हमारे पास 3 सेकेंड आ गया। तो ये तो सिंपली हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 15। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।